हेलो एवरीवन, दिस इज वेदा बिश्नोई, वेलकम टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग सेकंड पॉलिनेटिंग एजेंट की बात कर रहे हैं, किस कैटेगरी में, एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। तो हमने लास्ट वीडियो में पॉलिनेशन बाय विंड वाला डिस्कस किया था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द पॉलिनेशन बाय वॉटर। सो हाइड्रोफिली बोला जाता है जब भी पॉलिनेशन वॉटर के थ्रू होता है। तो पॉलिनेशन बाय वॉटर इज हाइड्रोफिली। 30 genera, मोस्ट अप्रोक्सीमेटली जो 30 genera होते हैं मोनोकोटिलेडन्स के केस में, वो अक्वाटिक प्लांट्स है जिसमें वॉटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, जिसमें कि लेमना, वेलेसनेरिया, जोस्ट्रा, ये सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। सो एक्वाटिक प्लांट्स के जो मोनोकोटिलेडन्स है उसके 30 genera में पॉलिनेशन होता है वॉटर के थ्रू। Many aquatic plants may go for other pollinating agent apart from this water. Water के अलावा किसी और pollinating agent की help लेते हैं for pollination. There are such aquatic species जिसमें winter insects को use करते हैं वो, जैसे water lily, water hyacinth. So please use your brain. आप अपनी textbook को अच्छे से read करेंगे, उसमें बहुत अच्छे से examples दिए हुए हैं। तो sometimes एमसीक्यू में क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि वॉटर हायसिंथ है वो किसके थ्रू पॉलिनेट हो रहा है, या वॉटर लिली है वो किसके थ्रू पॉलिनेट हो रहा है। अब आपको लगेगा नहीं, वॉटर लिखा हुआ है तो ये एक्वाटिक हाइड्रोफिली होगा, बट नो, इट इज द पॉलिनेशन बाय विंड, रिमेंबर दैट। सो वॉटर लिली एंड वॉटर हायसिंथ जो होता है, वाई दे आर गोइंग फॉर द अदर मोड ऑफ पॉलिनेशन, बिकॉज वो वॉटर जो है वो उनके पोलिन ग्रेन के लिए सही नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर देयर पोलिन, दैट इज व्हाई दे ऑप्ट फॉर द अदर मोड ऑफ पॉलिनेशन। ब्रायोफाइट्स एंड, ऐसा बोला जाता है ना, कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ब्रायोफाइट्स एंड टेंडोफाइट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो लिमिटेड क्यों है, वॉटर के थ्रू ही उनके एंथ्रोजोइट्स जो है वो पॉलिनेट होते हैं, मूव करते हैं, इसीलिए देयर आर वेरी लिमिटेड प्लेसेस वेयर लैंड एंड वॉटर बोथ आर closely placed, that is why इनका distribution particular area में ही होता है, limited area में ही होता है। Now characteristics, water के through जो भी plant pollinate होते हैं उनके characters में आता है small inconspicuous and light flowers, जो flowers होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है, light होते हैं and small होते हैं, मतलब वही जो flowers होते हैं they will be small, ठीक है, बहुत ज्यादा वेल डेवलप नहीं होंगे एंड दे विल बी लाइट, अनवेटेबल होंगे ऑब्वियसली, अगर वेट हो जाएंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू गेट पॉलिनेटेड और वो पोलिन ग्रेन पोलिन ट्यूब को जर्मिनेट नहीं होने देंगे। विदाउट नेक्टर्स एंड ऑर्डर्स ऑब्वियसली एबायोटिक पॉलिनेटर है, तो एबायोटिक पॉलिनेटर्स के लिए फ्लावर के पास ये सबका होना जरूरी नहीं है। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो लाइट होने चाहिए ताकि इजीली वो मूव हो सके, और अनवेटेबल भी होने चाहिए, मॉइस्चर उनको डिग्रेड कर सकता है, मॉइस्चर उनकी एक्टिविटी को स्टॉप कर सकता है, सो वो अनवेटेबल होने चाहिए। जनरली सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग, सो दैट पोलन ग्रेन जो है वो वेट ना हो, इसीलिए उनके ऊपर म्यूसिलेजिनस कवरिंग होता है, म्यूसिन की कवरिंग होगी। जो स्टिग्मा है दैट शुड बी लॉन्ग एंड स्टिकी, लॉन्ग होगा तभी वो वॉटर के थ्रू मूव होने वाले पोलन ग्रेन्स को ट्रैप कर सकता है, स्टिकी होगा तभी ट्रैप कर सकता है, बट स्टिकी होने के साथ वो अनवेटेबल होना चाहिए, अगर वो वेट हो जाएगा तो स्टिकीनेस जो है वो कम हो जाएगा। नाउ हम जो हाइड्रोफिली प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली प्लांट्स। फर्स्ट इज हाइपो हाइड्रोफिली विच इज प्रेजेंट अंडर द वॉटर, पॉलिनेशन बिलो सर्फेस ऑफ वॉटर, तो यहां पे जो पॉलिनेशन हो रहा है वो वॉटर के अंदर हो रहा है, नीचे हो रहा है। जोस्ट्रा जिसे सी ग्रास कहते हैं, इसके केस में क्या होता है, दीज आर द मेराइन एंजियोस्पर्म्स, पोलन ग्रेन्स लॉन्ग रिबन जैसे और नीडल लाइक होते हैं, ठीक है, पोलिन ट्यूब जैसे दिखते हैं, लंबे एकदम और नीडल जैसे, एक्साइन इनमें एब्सेंट होता है, फिलामेंटस पोलिन फ्लोट्स इन द वॉटर एंड द स्टिग्मा इज क्वाइट लॉन्ग, तो जो स्टिग्मा होता है
वो बहुत लंबा होता है और ये जो जो स्टिग्मा होगा वो इस तरीके से लंबा होगा और ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं दे विल कम एंड दे विल रैप अराउंड दिस स्टिग्मा. दिस इज हाउ दे वर्क. तो ज़ोस्ट्रा के केस में स्पेशली आपको याद रखना है कि इनके पोलन ग्रेन जो है वो रिबन शेप्ड होते हैं प्लस इनका जो स्टिग्मा होता है लॉन्ग होता है. सो ये ज़ोस्ट्रा. वैसे ही मैं आपको और भी टाइप्स के एग्जाम्पल्स बताने वाली हूँ. सो वी हैव डिस्कस अबाउट हाइपोहाइड्रोफिली. हाइपो का मतलब ही होता है नीचे. तो वाटर के नीचे अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको हम हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं. सेकेंड टाइप इज एपीहाइड्रोफिली. एपी मतलब ऊपर. जो वाटर के सरफेस पे पॉलिनेशन होता है उसे हम एपीहाइड्रोफिली कहेंगे. पॉलिनेशन ऑन द सर्फेस ऑफ वॉटर. लेमना और वेलिसनेरिया के केस में ऐसा होता है. यू आर सीइंग दैट हियर द सबमर्ज्ड. यहाँ जो प्लांट्स होते हैं वो सबमर्ज्ड होते हैं लाइक दे आर अंडर वॉटर. डाइशियस फ्रेश वॉटर प्लांट्स होंगे ये. डाइशियस मतलब दे आर यूनिसेक्सुअल. मेल और फीमेल प्लांट्स अलग होंगे. मेल प्लांट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेल फ्लावर और जो मेल फ्लावर है वो प्लांट से ब्रेक होके सरफेस पे आते हैं और सरफेस पे आने के बाद दे गेट ओपन. सो यहाँ पे ये फीमेल फ्लावर है ये मेल फ्लावर है. सो होता क्या है ये जो मेल फ्लावर है वो इस तरीके से. दिस इज द वॉटर सर्फेस. ये मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूं. ये वॉटर के अंदर है पूरे पार्ट्स. ये जो मेल फ्लावर है इट विल कम ऑन द सर्फेस लाइक दिस. वो इस तरीके से सर्फेस पे आ जाते हैं एंड आफ्टर सम टाइम उनके जो एंथर्स होते हैं जब ये जो मेल फ्लावर है ये ओपन होगा देन देयर एंथर्स विल बी एक्सपोज लाइक दिस. इनके एंथर इस तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे. अब यहां जो फीमेल फ्लावर है फीमेल प्लांट का ये जनरली इस तरीके से कॉइल फॉर्म में रहता है ठीक है. एंड इसके ट्राइफिड है. ट्राइफिड मतलब इसमें आप देख सकते हो इसके तीन पार्ट्स एंड ये थोड़े स्पाइनी होते हैं. सो व्हाट विल हैपन जैसे ही मेल फ्लावर रिलीज होते हैं ओपन होने का टाइम होता है दिस फीमेल फ्लावर विल कम ऑन द सर्फेस एंड सर्फेस से दे विल गेट कनेक्टेड. तो ये जो मेल फ्लावर है ये वॉटर के थ्रू इट विल कम हियर एंड जो एंथर है उसमें से पोलन विल बी रिलीज्ड एंड पोलन रिलीज होने के बाद इट विल कम टू द स्टिग्मा. सो ये एक मैकेनिज्म है जो एपीहाइड्रोफिली केस में आता है. इस तरीके से प्लांट इज सबमर्ज्ड बट पॉलिनेशन के लिए मेल फ्लावर भी सरफेस पे आ जाएगा फीमेल फ्लावर भी सरफेस पे आ जाएगा. मेल फ्लावर ओपन होगा सरफेस पे आके एंथर एक्सपोज्ड होंगे और जैसे ही फीमेल फ्लावर सरफेस पे आता है वॉटर के थ्रू जब मेल फ्लावर एंथर को लेके जा रहा होता है तो वो जो स्टिग्मा है वो स्टिकी है. इट विल कैप्चर द मेल पोलन ग्रेन्स एंड अगेन वो कॉइल होके वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं. दिस इज हाउ एपीहाइड्रोफिली वर्क्स. तो हमने जो वॉटर पॉलिनेटेड प्लांट्स है उसके केस में ये मेन हाइपोहाइड्रोफिली और एपीहाइड्रोफिली के बारे में पढ़ लिया. फिर आपको पता है कि पोलन और स्टिग्मा जो होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. तो ये इस वीडियो में मैंने फिनिश कर दिया. पॉलिनेटिंग एजेंट विच बिलोंग्स टू दीज एबायोटिक एजेंट्स जिसमें मैंने विंड के थ्रू और वॉटर के थ्रू दोनों कंप्लीट कर लिया है. आई हैव कवर्ड द टॉपिक्स विच आर देयर इन योर कंटेंट विच आर देयर इन योर टेक्स्ट बुक रिलेटेड टू दीज टू टॉपिक्स प्लस मैंने नीट का भी इसमें कवर किया है. सो होप यू अंडरस्टूड. स्टिल इफ यू फाइंड एनी डाउट यू कैन मैसेज मी यू कैन मेल मी. आई विल डेफिनेटली गोइंग टू आंसर यू बैक. सो सी यू माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप लर्निंग एंड बी सेफ.